यही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं, आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे, शहादत और शहीद और उस बलिदान में उनकी भागीदारी नहीं रही। उनको तो हम लोगों ने कहा अराजकता के उबारने के लिए उनको कुर्सी कुमार को हमने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में बैठाया था, लेकिन आज वो खुद जाकर के उसी जगह पर बैठ गए जहां अराजकता जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं। अब ये उससे भी दो कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है, गुंडों के हवाले बिहार को थमा दिए, अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि बिहार के अंदर कैसा दहशत का माहौल बनाया गया है, एक महीना भी नहीं गुजरा, भ्रष्टाचार भी उसी तरह से चरम पर है, उनके मंत्री ही कह रहे हैं कि हम चोरों के सरदार हैं, और अपराध तो खुल करके पहली बार बिहार में घटना घटित हुआ है, इस तरह से खुलेआम 30 से 40 किलोमीटर तक गोलियां बरसाते गया, लोग को निर्दोष लोगों को गोली मारते गया, ऐसी दहशत कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हाल और मृतक के परिजनों को क्या कहेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए 1-1 करोड़ को, जो एक शहीद होता है और उस शहादत का उसकी पूरी कीमत मिले, इसकी जिम्मेवारी तय करे, और जब तक भ्रष्ट पदाधिकारियों को नहीं हटा करके अच्छे लोगों को आप स्थापित करेंगे, कानून की व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आई बात मत करिए मुख्यमंत्री जी।